और चलिए सीधे रुख करते हैं, विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, उससे पहले सीएम योगी क्या कुछ कह रहे सुनते हैं। मैं हृदय से स्वागत करता हूं, इस शीतकालीन सत्र है, इसमें अनुपूरक बजट के साथ ही विधायी कार्य जो लंबित हैं वह भी पूरे होंगे। उत्तर प्रदेश विधानमंडल ने अपनी कार्रवाई को सुचारू रूप से संचालित करने, गरिमापूर्ण तरीके से संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली को पुष्ट करते हुए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर पिछले 6.5 वर्ष से चर्चा परिचर्चा को आगे बढ़ाने में एक नई सफलता प्राप्त की है। पिछले 6.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश विधानमंडल में कार्रवाई जिस गरिमापूर्ण तरीके से लोकतंत्र की सच्ची भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए, संवाद परिसंवाद को पुष्ट करते हुए आगे बढ़ी है, वह लोगों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय भी बना हुआ है। क्योंकि यही सदन था जहां पर एक बार मारपीट की घटना भी घटित हुई थी, लेकिन आज यहां पे चर्चा परिचर्चा, जन समस्याओं से जुड़े हुए मुद्दों को रखना, उनके निस्तारण की व्यवस्था करना, ये सभी चीज़ों को लेकर के बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर इस समय ये कार्रवाई चल रही है। और मेरी अपील होगी सभी माननीय सदस्यों से, खासतौर पर विपक्षी दलों के सदस्यों से, कि जिस गरिमापूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश विधानमंडल देश के अंदर वर्तमान में चर्चा में है, उस गरिमा को बनाए रखने की जिम्मेदारी केवल सत्ता पक्ष की नहीं विपक्ष की भी है। हम उस गरिमा को बनाए रखने में अपना योगदान दें, और कोई भी महत्व, कोई भी मुद्दे हैं जनहित से जुड़े हुए, डेवलपमेंट से जुड़े हुए, लोक कल्याण से जुड़े हुए, उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए, उन सभी मुद्दों पर सरकार चर्चा परिचर्चा को तैयार है। विपक्ष के द्वारा उठाए जाने वाले हर प्रश्न का जवाब देने को सरकार तैयार है, पूरी तैयारी के साथ वहाँ पर सभी लोग मौजूद रहेंगे। मैं इस अवसर पर विश्वास करूँगा कि हमारे विपक्षी दलों के माननीय सदस्य भी सदन की इस गरिमा को बनाए रखने में अपना योगदान देंगे और सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से संचालित करने, जनहित से जुड़े हुए मुद्दों को सदन में रखने और इस कार्यक्रम को, शीतकालीन सत्र को अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। मैं सभी माननीय सदस्यों को जो आज इस शीतकालीन सत्र का भाग बनने जा रहे हैं, उन सभी को मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो सीएम योगी को आप सुन रहे थे, क्योंकि आज से आगाज होने जा रहा है विधानसभा के शीतकालीन सत्र का। उससे पहले सीएम योगी ने कहा कि जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने वाली है इस बार शीतकालीन सत्र में। विपक्षी दलों के सदस्य भी से अपील है कि वो भी गरिमा बनाए रखें, जितने लंबित विधायी कार्य हैं वो भी इस सत्र में पूरा किए जाएंगे। सत्र सुचारू रूप से चलेगा, इसके लिए सभी को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। जो भी सदस्य आज शामिल हो रहे हैं उन सभी को बधाई भी दी है सीएम योगी ने। तब से कुछ ही देर में शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है,